वेलकम टू स्टारबक्स। तो अब तक हमने देखा था सॉन्ग यांशियालन के घर रहता है, उसके घर ही नहीं उसके कमरे में रहता है, और वहीं ब्रदर लियांग को सब पता चल जाता है कि शियालन एक के है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद जोशियो नहाने के बाद सोने जा ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा धीरे से खोलता है और देखता है कि ब्रदर लियांग कहीं जा रहे थे। वो सीक्रेटली उन्हें फॉलो करता है। जब सोशियो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है तो उसे ओल्ड शिया यानी कि शियालिन की ग्रैंड मदर की आवाज़ आती है। अरे इतनी रात हो गई है और तुम मेरे पैर दबाने आए हो, कोई ज़रूरत नहीं है, जाके सो जाओ। ब्रदर लियांग बोलते हैं, आप क्या कह रही हैं ग्रैंड माँ। जोशियो को ब्रदर लियांग की आवाज़ सबसे ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। आज तक इतना सॉफ्टली वो कभी नहीं बोले। और ब्रदर लियांग बोलते हैं, जब आप एब्रॉड में थी तब फादर थे जो आपकी केयर करते थे, लेकिन अब जब आप चाइना में हो तो मैं आपकी केयर नहीं कर सकता क्या? अच्छा बताइए, क्या तौलिया ज़्यादा गर्म हो गई हैं? ग्रैंडमा बोलती हैं, नहीं सही है, बस इन्हें मेरे पैरों पर डाल दो। क्या करूं बेटा, इतना दर्द होता है, रात को तो कई बार होता है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। मैं बस आज नहीं चाहती थी कि तुम्हारे डैड उठें, वो काफ़ी थक गए थे आज। ब्रदर लियांग बोलते हैं, ग्रैंडमा क्या आपके पास फ़ोन है ना, तो जब भी आपको दर्द हो आप सीधा मुझे कॉल कर दिया करिए या फिर शियालन को कर दिया करिए, ठीक है? ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम्हें नहीं पता बेटा, मेरे प्रेस बायोपिया की वजह से जब भी मैं फ़ोन पकड़ती हूँ मेरे सर में बहुत दर्द होता है, मुझसे देखा नहीं जाता। ब्रदर लियांग बोलते हैं, ठीक है मैं आपको वॉइस एक्टिवेटेड फ़ोन दिला दूँगा, ठीक है अब? फिर वो दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं। तभी जोशियो को फिर से आवाज़ आती है। शियालिन की ग्रैंड मदर बोलती हैं, शियालियांग क्या तुम्हारी अब तक कोई भी गर्लफ्रेंड बनी है? ब्रदर लियांग बोलते हैं, हाँ लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं था, अब ख़त्म है सब। ग्रैंडमा पूछती हैं, तो अब बताओ अब कुछ है, कोई मैरिज पार्टनर वगैरह तुम्हारी नज़र में? ब्रदर लियांग बोलते हैं, नहीं कोई नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन आप जानती हैं ना मैं इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ। ग्रैंडमा जो मेरी पहली वाली गर्लफ्रेंड थी वो भी इसी वजह से परेशान थी, ज़्यादा दिन नहीं लगे वो रो गई और हमारा ब्रेकअप हो गया क्योंकि मैं उसे टाइम नहीं दे पाता था। ग्रैंडमा बोलती हैं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे डैड और मैं अब्रॉड रहते थे तो फिर सारी जिम्मेदारी तुम भरी थी, तुम ऑफिस का सारा काम संभालते थे और शियालिन को भी, लेकिन अब तुम्हारे फादर आ चुके हैं समझे तुम, तो अगर कोई भी तुम्हारे पास काम हो ऑफिस का तो सारा अपने फादर पे डाल दो, लेकिन तुम कोई ना कोई गर्लफ्रेंड ढूंढो समझे। ब्रदर लियांग बिना सुने कहते हैं, ठीक है। ग्रैंडमा बोलती हैं, ठीक है तो कल एक ब्लाइंड डेट होगी और तुम्हें जाना है दोपहर को। ब्रदर लियांग हंसते हैं और बोलते हैं, अगर ग्रैंडमा इतना ही चाहती हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगा, वैसे जाने की क्या ज़रूरत है, अगर ग्रैंडमा ने ही सेलेक्ट कर लिया है तो मैं जानता हूँ वो लड़की बहुत अच्छी होगी, तो मुझे जाना नहीं चाहिए है ना ग्रैंडमा। ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम भी ना, तुम्हारी पसंद मैटर करती है, तुम जाओगे मतलब जाओगे, तुम समझे। ब्रदर लियांग बोलते हैं, ठीक है ग्रैंडमा मैं समझ गया, मैं ज़रूर जाऊँगा। बाहर खड़ा सोशियो, उसे लगता है कि उसके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी ये ख्याल करके कि शियालियांग की भी गर्लफ्रेंड होगी, इसे इन सब का कोई रियलाइजेशन नहीं था जब तक वो मिलिट्री एकेडमी नहीं गया। वहाँ जब उसने ब्रदर लियांग से दूरी बनाई तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ब्रदर लियांग को पसंद करने लगा है। ये अनकहा सा एहसास पता नहीं कब से जागा। हालांकि शियालियांग वो हमेशा से ही सबसे दूरी बनाकर रखता था और ना ही किसी से इतनी बात करता था, खुद के बारे में बात वो बस शियालिन से ही करता था, पर पता नहीं क्यों कब सोशियो को यह एहसास हुआ कि वो आदर वो डर वो सम्मान
शियालियांग के लिए। धीरे धीरे उसके मन में प्यार का रूप ले रहा था। वो अब भी ये बात नहीं मान रहा था कि ये सब प्यार है, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि शियालियांग की कोई भी बात हो, जोशी उस बात से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। आज सुबह जब उसने सुना कि ओल्ड लेडी मिसेस शिया शियालियांग के लिए कोई फियांसे ढूंढने वाली हैं, वो ही जानता था कि उसके दिल पर क्या बीती थी। हालांकि जो लोग अंदर बैठे थे वो इस बात को नहीं समझते थे। अंदर से आवाज़ आती है, थोड़ा हंसी मजाक होता है, फिर ब्रदरलियांग बोलते हैं, ग्रैंड माँ मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ग्रैंड माँ बोलती हैं, क्या हुआ? ब्रदरलियांग बोलते हैं, आप मुझसे गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहती हैं, लेकिन अगर बात शाओलिन पे आए तो वो फ़िलहाल अपने करियर में कुछ करना चाहता है और बिजनेस की फील्ड में नहीं जाना चाहता। जैसे कि आप जानते हो वो PhD करना चाहता है, तो प्लीज़ ग्रैंड माँ उसको फोर्स ना करें कि वो अपने इमोशनल मैटर्स पर भी ध्यान दे और कोई गर्लफ्रेंड बनाए जैसे आप मुझे करती हैं। अभी उसका सारा ध्यान केवल अपने करियर पर होना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंड माँ थोड़ा सोचती हैं, फिर बोलती हैं, मैं समझ रही हूँ जो तुम कह रहे हो। मुझे पता है इन मामलों में शाओलिन तुम भर ही गया है, बल्कि तुम्हारा भी उस्ताद है। वो कभी भी खुद से गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। अभी उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। फिर वो ब्रदरलियांग के सर पर अपना हाथ रखती हैं और बोलती हैं, ये तो अच्छी बात है कि हमारी शिया फैमिली के पास तुम जैसा काबिल बच्चा है जो अच्छे से सबको संभालना जानता है। मैं बहुत खुश हूँ शाओलियांग कि तुम इस काबिल बने। जोशू इसके बाद कुछ नहीं सुनता और अपने कदम बढ़ाकर अपने कमरे की ओर चला जाता है, और वो ये भूल जाता है कि उसे शियालिन के कमरे के बाहर सोना था। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर, शियालियांग ग्रैंडमा के पैर दबा रहा था, वहीं सोंगयान शियालिन के कमरे में फ्लोर पर लेटा हुआ था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो ज़मीन पर सो रहा था इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि बात ये थी कि जो इंसान उसके बगल में बेड पर सो रहा था उस इंसान से वो प्यार करता है और वो उसे बस देख पा रहा है और कुछ नहीं। भले ही वो दोनों एक कमरे में हैं, इतने पास हैं, पर वो उसे बस देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ सोंगयान को परेशान कर रही थी। थोड़ी देर बाद सोंगयान एकदम से उठता है और शियालिन के बेड की ओर देखता है। फिर वो बोलता है, शियालिन क्या तुम सो गए? शियालिन ने रजाई ओढ़ी हुई थी, वो कोई जवाब नहीं देता। फिर सोंगयान शियालिन की बेड की ओर आता है और वहाँ उसकी साइड में लेटकर बोलता है, शियालिन क्या मैं बेड पर सो सकता हूँ? शियालिन की धीमी सी आवाज़ आती है और वो बोलता है, वापस जाओ और ज़मीन पर सो। सोंगयान पूछता है, पर तुम्हारा बेड इतना बड़ा है तो मुझे ज़मीन पर क्यों सोना है शियालिन? सोंगयान अपना हाथ बढ़ा रहा होता है ताकि वो शियालिन की रजाई को पकड़ सके, लेकिन वो उसे छू सकता उससे पहले ही शियालिन अपनी रजाई खोल देता है और सोंगयान की ओर देखने लगता है। उसने रजाई से बस अपनी आंखें निकाली हुई थी और कुछ नहीं। और वो बोलता है, सोंगयान क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस कमरे में रहने की इजाज़त क्यों दी? सोंगयान घबरा जाता है और बोलता है, क्यों? शियालिन बोलता है, क्योंकि मैंने अपने तकिए के नीचे एक चाकू रख रखा है, समझे तुम? अगर तुमने कुछ भी ऐसा करा जो कि मुझे गलत लगा, मैं तुम्हें तभी काट दूंगा, ठीक है? समझ रहे हो तुम? अच्छा होगा अगर समझ जाओ। ये सुनकर सोंगयान एकदम से घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो बोलता है, हे शियालिन आराम से, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो। शियालिन बोलता है, मैं तुमसे बात तो करना चाहता हूँ, पर दिक्कत ये है कि आज तक तुमने कभी भी कोई सेंस की बात करी है। शियालिन और आगे बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसका बेड हिलने लगता है। हल्का सा भूकंप आता है जो शियालिन पहले भी फेस कर चुका था, पर बात ये थी कि शियालिन इस बार अकेला नहीं था जो ये भूकंप
महसूस कर पा रहा था। सोंगयान को भी महसूस होता है। वो एकदम से उठता है। एकदम से उठने की वजह से उसका सर बेड के कोने से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। उस वक्त उसे अपने दर्द का ज़रा भी एहसास नहीं था। वो एकदम से उठता है और शियालिन को पकड़ के बोलता है, शियालिन चलो बाहर चलते हैं, भूकंप आ रहा है। शियालिन बैठा हुआ था और वो शौक भी था। वो सोंगयान को देखे जा रहा था क्योंकि पहली बार शियालिन के अलावा भी सोंगयान इस भूकंप को महसूस कर रहा था। सोंगयान चिल्लाता है, चलो। शियालिन पूछता है, तुम इसे महसूस कर सकते हो? सोंगयान बोलता है, हम ये सब कैसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि भूकंप आ रहा है शियालिन। क्या तुमने देखा नहीं मैं किस तरह गिरा? चलो अब। और सोंगयान अपना सर पकड़ता है। बेड से गिरने की वजह से सोंगयान का सर सूज चुका था, लेकिन फिर बाद में वो फिर से शियालिन को पकड़ता है। शियालिन शांति से बोलता है, ये भूकंप नहीं है। सोंगयान चौंक जाता है, नहीं है? शियालिन बोलता है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो इंतज़ार करो और देखो। सोंगयान थोड़ी देर वेट करता है, फिर उसे पता चलता है कि अब ज़मीन में से वाइब्रेशन नहीं आ रही। सोंगयान कन्फ्यूज होता है और पूछता है, तो ये क्या था अभी? सोंगयान मन में सोचता है, क्या शियालिन के घर में कोई दिक्कत है? क्या कोई भूत वूत है? शियालिन सोंगयान की ओर देखता है और बोलता है, क्या ये पहली बार है जब तुमने ये भूकंप महसूस करा? सोंगयान बोलता है, आखिर भूकंप कितनी बार महसूस करना चाहता है इंसान? शियालिन फिर कुछ नहीं बोलता और वो सोचने लगता है। काफ़ी देर बाद शियालिन को समझ आता है कि पिछली ज़िंदगी में उसके संग ये सब नहीं होता था, लेकिन जब से उसने रीबर्थ लिया है तब से वो ऐसी चीज़ें इनकाउंटर करने लगा है। लेकिन पहले मुश्किल ही आता था। इन 4 सालों में उसने भूकंप 4 सालों में लगभग 4 बार फेस करा होगा, लेकिन इस बार पिछले भूकंप को गुजरे हुए 1 महीना ही हुआ था और अब उसने नया भूकंप फेस करा। हालांकि वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार वो सोचता है क्योंकि ये पहली बार था कि सोंगयान भी ऐसी चीज़ें फेस कर रहा था। हो सकता है क्योंकि सोंगयान का भी इस बार रीबर्थ हुआ है। और शियालिन घबराने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये भूकंप मेरे और सोंगयान के रीबर्थ से रिलेटेड है? सोंगयान को समझ नहीं आता कि आखिर शियालिन सोच क्या रहा है। वो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है। अब कोई अर्थक्वेक नहीं आता फिर से, तो वो थोड़ी शांति बनाता है और फिर बाद में शियालिन से कुछ कहने ही वाला था कि उसके सर में दर्द होने लगता है। वो अपने सर को पकड़ता है और फिर बाद में बेड पर बैठ जाता है। वो रोनी सी शक्ल बना के शियालिन की रजाई को पकड़ता है और बोलता है, शियालिन बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ये देखने में कि कहीं खून तो नहीं निकला? जबकि कोई खून नहीं निकला था, बस सोंगयान का सर सूज चुका था। शियालिन के पास कोई चारा नहीं था। वो थोड़ा उठता है और लैंप चलाता है। वो ध्यान से सोंगयान का सर अपनी ओर करता है और अपनी उंगलियों से सोंगयान के बालों को ऊपर की ओर करता है ताकि वो उसकी चोट देख पाए। वो देखता है कि उसका सर सूज चुका है। ज़्यादा सूजन नहीं थी, बस थोड़ा सा सूज गया था। फिर शियालिन बोलता है, इस बार उसकी कोल्ड वॉइस थोड़ी नरम हो गई थी, कोई ब्लीडिंग नहीं है, बस हल्की सी सूजन है, तुम इंतज़ार करो, मैं फ्रिज से आइसक्यूब लेकर आता हूँ। शियालिन जैसे ही उठने वाला था, सोंगयान उसकी कमर को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है। शियालिन सुनता है कि सोंगयान उसके कान के पास आके बोल रहा था, शियालिन मत जाओ। शियालिन गहरी सांस लेता है। जो उसके दिल में सोंगयान के लिए नर्मता जागी थी वो सब चली जाती है और वो गुस्से में बोलता है, मुझे जाने दो। सोंगयान बोलता है, मैं नहीं जाने दूंगा। और वो शियालिन को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। शियालिन सोंगयान की इंटेंशन समझ रहा होता है और वो एकदम से अपने तकिए के नीचे से चाकू निकाल ही रहा था कि सोंगयान उससे ज़्यादा तेज़ निकलता है और वो शियालिन का हाथ पकड़ लेता है और वो चाकू बेड के नीचे गिरा देता है। चाकू देखकर सोंगयान सरप्राइजली बोलता है, यानी कि तुम सच कह रहे थे, तुमने सही में ये छुपा रखा था शियालिन, लेकिन तुमने एक बात नहीं सोची। और वो शियालिन के करीब आता है और बोलता है, कैसा होता अगर तुम अनलक्की निकलते तो?
जैसे कि तुम अब निकले हो। और वो स्माइल करता है। अब शियालन के पास कोई भी वेपन नहीं था ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। वो एकदम से सोंगयान को पंच और किक करने लगता है ताकि सोंगयान हट जाए। लेकिन शियालन खुद जानता था कि सोंगयान की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। शियालन कुछ भी कर ले पर वो सोंगयान को कभी भी नहीं हरा सकता। सोंगयान उसका हाथ पकड़ता है और फिर बाद में शियालन के पास आके बोलता है, डरो मत शियालन, मैं आज ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि तुम्हें दिक्कत आए। मैं जानता हूँ हम शिया फैमिली में हैं, अगर यहाँ तुम मुझे खुद मौका दोगे तो भी मैं ये नहीं करता। ये सुनकर शियालन बोलता है, अगर तुम में इतनी अकल है तो निकलो यहाँ से और मुझे जाने दो। सोंगयान शियालन के कान के पास आता है और बोलता है, शियालन मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। तुम्हें पता है इन दिनों मैंने कई सपने देखे। मैं सपनों में देखता था कि तुम मुझे किस कर रहे हो। वो ये बातें धीरे धीरे बोल रहा था और साथ के साथ अपनी जीभ से शियालन की स्किन को लिक भी कर रहा था। वो शियालन की आईब्रो की ओर बढ़ता है और बोलता है, मैंने सपने में देखा कि मैं तुम्हारी आईब्रो को किस कर रहा हूँ, फिर उसकी आँख के पास, तुम्हारी आँखों को, तुम्हारी नोज ब्रिज को, तुम्हारे लिप्स को, तुम्हारे एडम एप्पल को और तुम्हारे कॉलर बोन को और शियालन। और शियालन महसूस कर रहा था कि उसकी बॉडी हॉट होती जा रही है और वो सोंगयान की इन हरकतों से एक्साइटेड हो रहा है। वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय गहरी सांस लिए। सोंगयान उसको सॉफ्ट किसेस दिए ही जा रहा था। वो शियालन को ऐसे देख उसके माथे को चूमता है और बोलता है, डरो मत शियालन, मैं आज रात तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहता हूँ। और वो उसके लिप्स को किस करने लगता है, फिर उसकी गर्दन पर आकर उसको सॉफ्ट किसेस देने लगता है। शियालन अपनी कोई मदद नहीं कर सकता था, भले ही वो ये सब नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी ये सब चाहती थी, वो भी केवल सोंगयान से ही। वो ना चाहते हुए भी सोंगयान को ये सब करने देता है। जैसा कि सोंगयान ने कहा था, वो उसके साथ पूरी तरह इंटीमेट नहीं होता, वो केवल शियालन को कंफर्टेबली फील करा रहा होता है और शियालन कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। शियालन सोंगयान की ही बाहों में था और उसे नहीं पता चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।